चल रहा है इस तरह से चल भी रहा है। नहीं नहीं जरा काम कहाँ तक आया, क्या है वो देखने के लिए आया। सॉलो 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 पूरा दौरा कर रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पहली मुहर्रम है, तो आज मैं जो है पूरे अलावे अंजुमन ये जो मुहर्रम के सिलसिले में सरकार की तरफ से क्या इंतजाम हुए हैं ये देखने के लिए चला है। बड़े अफसोस की बात है कि दारुशफा प्ले ग्राउंड के बिल्कुल सामने अलावा सरतू के आप देख सकते कि फुटपाथ, जरा बताओ मियां उधर फुटपाथ बताओ, ये देखिए फुटपाथों की क्या हालत है। ये पूरे देखिए पूरा फुटपाथ, वो सामने पूरा खुदा हुआ है। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, तो पहले तो मैं ये समझा कि शायद बल्दिया की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, लेकिन जब मैं अंदर दरियाफ़ किया तो अपने ज़ाती सरफे से लोग करवा ले रहे अंदर काम। अलावे सरतुक में जितना आयनों का काम हुआ, जितना भी अंदर काम हो रहा, ये प्राइवेट ओन मनी की तरफ से हो रहा है। कोई कामरान साहब बोल के उन्हें करा रहे हैं और कोई दो तीन लोग नाम आए उनके काम करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों की आमदनी में बरकत दे और उनको सेहत दे। कि लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आप गौर करिए कि एक इजलास हुआ था सेक्रेटेरिएट में, मखसूस लोगों को बुलाए वो लोग, यानी जो असल अंजुमन के ज़िम्मेदार हैं और जो शिया तंजीमें आए उलमा मशाइखीन, उनको नहीं बुलाकर मखसूस मखसूस लोगों को, जो आप बोल सकते हैं कि प्रो MIM लोग हैं, उनको ही बुलाए। बुला के जो है एक शबीर अली साहब, एक दो चार चेयरमैनों को बुला के मीटिंग करके 50 करोड़ रुपए का ऐलान करें। अब ये 50 करोड़ रुपए कहाँ गए, किधर गए? आज पहला मुहर्रम है, आप देख सकते हैं। अब मैं और दूसरे भी जगह फिर रहा हूँ पूरा, तो एक मुहर्रम के लिए एक भी काम नहीं होता। 10 मुहर्रम देखिए, BRS की सरकार थी 2014 से लेकर 2023 तक ऐसा ही रहा, यानी इससे पहले एक मीटिंग होती थी, कोई भी काम करवाना है तो मीटिंग जो है 2 महीने पहले होना सेक्रेटेरिएट में, उसके बाद में एस्टिमेट बनना, 1 महीना पहले टेंडर होता, काम ग्राउंड होता। आज पहली मुहर्रम के दिन आप आके बोल रहे हैं मैं फुटपाथ, अच्छा वक्फ बोर्ड से जो पैसे जारी हुए वो आ गए, लेकिन क्या है एक आशूर खाने को 2000, एक अंजुमन को 1000, इतने बड़े सरतुख के अलावे को जो है 20,000, क्या होते बोलिए 20,000, चुनना नहीं पड़ता 20,000 रुपये में। और एक बड़े हैरत की बात है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था ये अलावा सरतुख, लेकिन उसको निकाल दिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में से निकाल दिए। कौन निकाले, क्यों निकाले, कैसा निकाले, ये किसी को नहीं मालूम। कई दिन से ये लोग लेटर लिख रहे हैं। तो बहरहाल सरकार की तरफ से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की तरफ से मुहर्रम के लिए महेंद्र माँ का सुलूक किया जा रहा है। पहली चीज़, मोहम्मद अली शब्बीर इंस्पाइट ऑफ बींग ए मुस्लिम, आप एक मुसलमानों के नुमाइंदा है हुकूमत में, एक एडवाइज़र टू दी गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी है, लेकिन आप एक विजिट नहीं करे। अरे क्या मोहम्मद अली शब्बीर के हाथ पैर को मेहंदी लगी हुई है, बोलिए 10 दिन पहले आप निकलना, विजिट करना, पूरे बी का आलम आना, पूरा दारुशफा आना, नूरखा बाजार के पूरे गलियां, गली गली में पूरा पानी बह रहा, गली गली में पूरा खोदा हुआ है, गली गली में जो है सिल्ट पड़ा हुआ है वहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि बी के आलम से लेके शेख फैज कमान पूरी खुदी हुई है, मोरियाँ बह रहे हैं वहाँ पर। देखते देखते 7 मुहर्रम आ जाता, उसके बाद में 10 मुहर्रम आ जाता, पूरा जो पैसा सेंक्शन हुआ अल्लम गल्लम किसके जेब में जाता नहीं मालूम। तो बहरहाल ये आवाम को मैं उजागर कर रहा हूँ कि ये जो 50 करोड़ का ढोंग रचारी सरकार, और ये जो शिया नुमाइंदे जाके हुकूमत की मीटिंग अटेंड करे, जबान नहीं खोले कोई भी उस मसले पर नुमाइंदगी में, बड़े अफसोस की बात है। तो मैं तमाम शिया जाकिरीन से, उलमा मशायखीन और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है पढ़ी लिखी, ये बात आप सोशल मीडिया पर लड़ी है, सोशल मीडिया पर बहुत ताकत है, इसकी नुमाइंदगी करिए। आप देखिए पूरे 10 साल में चीफ मिनिस्टर नहीं आए कभी, पहले चीफ मिनिस्टर सो मिनिस्टर्स आते थे बी के आलम में, ये साल रेवंत रेड्डी आना। आप देख सकते हैं कि कभी भी जो है मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी, आज सदर बनते हुए इतने साल हुआ, कभी बी के आलम को नहीं आए, कोई सवाल करने वाला नहीं है, खाली शिया कौम के वोट लेते आप क्यों नहीं आते बोल के कोई सवाल नहीं कर रहे। बहरहाल अब मेरा दौरा चालू है, पूरे 10 दिन तक मैं मॉनिटर करते रहूँगा इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत वक्त।